खेलना चाहते हैं Assassin's Creed Valhalla अपने पीसी या लैपटॉप पे नहीं खेल पा रहे क्योंकि यार मेरे पास उतना सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, मेरे पे Assassin's Creed Valhalla लैग करता है, मैं कैसे खेलूं भाई, मेरे पास तो उतना यार डेटा नहीं है, मैं कैसे डाउनलोड करूं। तो भैया इस वीडियो पे ये सभी चीजें आपको मैं सॉल्व करके देने वाला हूं। एंड वेल गाइस, इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना, अगर आपने एक भी इतू सा स्टेप छोड़ा तो भैया Assassin's Creed Valhalla आप अपने लुबेन पीसी पे खेल नहीं पाओगे या पार्ट्स में इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो भैया जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो पे हम Assassin's Creed Valhalla को अपने लो एंड पीसी पे रन करेंगे, तो शुरू से लेके अंत तक देखना है। साथ ही साथ अगर आपको FPS बूस्ट पैक को डाउनलोड करना है तो भैया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको गेम को इंस्टॉल करना है पार्ट्स में तो भैया फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Assassin's Creed Valhalla को आप 4GB RAM में भी खेल सकते हैं, 6GB RAM में भी खेल सकते हैं और 8GB RAM में भी खेल सकते हैं। इन तीनों RAM सेगमेंट में आप Assassin's Creed Valhalla को खेल सकते हैं, बट यहां पर आपके पास ग्राफिक कार्ड्स मिनिमम 1GB या 2GB होना चाहिए। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 या Ryzen 3 का प्रोसेसर आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए, तो बिल्कुल आप अच्छे FPS के साथ Assassin's Creed Valhalla को खेल सकते हैं मेरे कॉन्फ़िग फाइल के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले आपको यहाँ पर FPS बूस्ट पैक को डाउनलोड करना है, तो ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर स्टेप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपके पास Assassin's Creed Valhalla गेम नहीं है तो भाई वो भी मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वो भी आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर FPS बूस्ट पैक को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पासवर्ड है दोस्तों, पासवर्ड एकदम ध्यान से लिखना, प्यार से लिखना, BYTP और सभी कैपिटल लेटर पे करना है। एंड यह हमारा फाइल है वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है, एंड सिंपली हम इसे ओपन करेंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िग फाइल एंड कुछ प्रॉक्सी मिलेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं अपने विंडोज़ पे, देन आफ्टर हम कॉन्फ़िग फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यार अगर आपके पास विंडोज़ 10 है और आप विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हो तो भैया प्लीज़ अपडेट कर लेना। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि विंडोज़ 10 को कभी अपडेट नहीं करते हैं और उसमें हम लेटेस्ट गेम खेलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक अपडेट आया, तो मैं फटाफट से इसे अपडेट में डाउनलोड में लगा दूंगा एंड इसे अप टू डेट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हमें बैक चलना है फिन से। अब हमें चलना है यहाँ पर, आपको एक गेमिंग का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर जाना है आपको। यहाँ पर आपको दोस्तों गेमिंग मोड को ऑन कर लेना है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहेगा तो सिंपली आप इसे ऑन कर लेना। और साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्राउज करना है, देन आफ्टर जहाँ कहीं भी आपने Assassin's Creed Valhalla को इंस्टॉल करके रखा होगा तो सिंपली आपको उस गेम के होम डायरेक्टरी पे जाना है, और यहाँ पर आपको Assassin's Creed Valhalla EXE फाइल दिखेगा जो कि हमारा लॉन्चर रहता है। सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, टेप पे क्लिक करते हैं एंड सिंपली हम बैक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट होता है, सिंपली हम बैक चलते हैं, अब आपको यहाँ पर जाना है सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड एक्सेस का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहेगा, सिंपली आपको इसे ऑफ कर लेना है। यहाँ पर जो हमारा सेटिंग वाला काम कंप्लीट होता है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ सर्च बार पे आना है, यहाँ पर अपने को टाइप करना है रन, इस तरह से आपका एक बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है %10%, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। एंड वेल गाइस ये क्या करता है कि जितने भी आपके जंक फाइल है आपके कंप्यूटर पे ये उसे डिलीट कर देगा, एंड इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो इसे हम यहाँ से कट करते हैं, एंड जो भी आपने जंक फाइल को यहाँ पर किया था सिंपली आप रिसाइकल बिन से डिलीट कर लेना। करते दोस्तों सिंपली आपको Assassin's Creed Valhalla के होम डायरेक्टरी पे जाना है, सिंपली आपको गेम के आइकन में राइट क्लिक करना है एंड होम फाइल लोकेशन पे जाना है। यहाँ पर आपको Assassin's Creed Valhalla का यहाँ पर आपको EXE फाइल दिखेगा, राइट क्लिक करना, ऑप्शन पे जाना, एंड यहाँ पर आपको कंपैबिलिटी मोड में इसे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है, ठीक है। इसे आप ओके कर लेना। अब NVIDIA ग्राफिक कार्ड है, सिंपली आपको NVIDIA कंट्रोलर को ओपन करना है, मैनेज 3D सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेटिंग्स पे जाना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। एंड वेल गाइस यहाँ पर आपको आपके डेस्कटॉप पे जो आपको Assassin's Creed Valhalla का यहाँ पर आपको EXE फाइल मिलेगा, सिंपली आपको वो सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है सिंपली आपको ब्राउज करना है, एंड यहाँ से आपको ब्राउज पे जाना है, एंड यहाँ पर जिस भी डायरेक्टरी पे आपने Assassin's Creed Valhalla को इंस्टॉल करके रखा सिंपली उस डायरेक्टरी पे जाना और ये EXE फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख लेना है कि ये भाई सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। बस NVIDIA ग्राफिक कार्ड है तो ये आपको जरूर से करना दोस्तों, सिंपली हम यहाँ से कट करते हैं। वेल गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है उस FPS बूस्ट वाले
फोल्डर पे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, तो सिंपली यहाँ पर आपको कन्फिग मिलेगा, प्रॉक्सी मिलेगा एंड टाइमर रिलेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली कन्फिग पे चलते हैं एंड यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर तीन टाइप के कन्फिग मैंने यहाँ पर दिया है। लो एंड को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको इस तरह का SSN गेट वलाला करके आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा, सिंपली इसे ओपन करना एंड यहाँ पर आपको acv.ini करके यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगा, सिंपली इसे आपको कॉपी करना है एंड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। यहाँ पर भी आपको SSN गेट वलाला करके फोल्डर मिल जाएगा, सिंपली आपको इसे ओपन करना है एंड जो फाइल आपने कॉपी किया था सिंपली यहाँ से आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब हमें सिंपली यहाँ से कट कर देना, प्रॉक्सी मिलेगा दोस्तों। प्रॉक्सी में आपको वन बाई वन करके सभी प्रॉक्सी को इंस्टॉल करना है एंड प्रॉक्सी इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली इसमें डबल टैप करना है एंड यस करना है। ओके, तो यहाँ हमारा प्रॉक्सी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, टाइमर रेजोल्यूशन को ओपन कर लेना है। सिंपली आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। तो अभी हमें टाइमर रेजोल्यूशन को ओपन नहीं करना, हम थोड़ी देर बाद ओपन करेंगे। सिंपली दोस्तों फिर से आपको सर्च बॉक्स पे आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है एडवांस व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे आपको यहाँ पर आ जाना है एंड यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको आना है सेटिंग्स में एंड यहाँ पर आपको इसे बेस्ट परफॉर्मेंस सेटिंग्स में आपको यहाँ पर आपको सर्च करना है, चूज पावर प्लान में आपको जाना है। हमने एक प्रॉक्सी फाइल को इंस्टॉल किया था अल्टीमेट पावर करके, तो सिंपली आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अल्टीमेट परफॉर्मेंस करके, सिंपली आपको इसे चेक कर लेना है। डिफॉल्ट आपके पीसी लैपटॉप पे नहीं रहेगा, जब भी आप वो प्रॉक्सी फाइल इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो वेल गाइस, हमने ऑलमोस्ट सभी अपना जो भी है कन्फिग को इंस्टॉल कर लिया, जितने भी सेटिंग्स करने थे हमने सभी चीज़ कर लिए। अब आपको क्या करना है, याद है हमने टाइमर रेजोल्यूशन को यहाँ पर मिनिमाइज करके रखा था। सिंपली आपको इसे मैक्सिमम पे क्लिक कर लेना है जब आप गेम खेलो, तो सिंपली आप इसे डिफॉल्ट पे क्लिक कर लेना। तो अभी हम गेम को ओपन करने वाले, इसलिए मैक्सिमम पे कर लेते हैं एंड फटाफट से यहाँ पर आपको गेम को ओपन कर लेना है। सो वेलकम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेम ओपन हो चुका है। हाँ मानता हूँ यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट दोस्तों ग्राफिक्स इतना भी डल नहीं है कि मतलब आप यहाँ पर खेल ही ना पाओ। यहाँ ग्राफिक्स प्लेबल है, आप बहुत अच्छा आपको FPS यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो वेल गाइस, बस इसी तरह अपने लो एंड PC में आप Assassin's Creed वलाला खेल सकते हैं। फिर बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास गेम नहीं है तो प्लीज़ मेरे वेबसाइट से जाके गेम इंस्टॉल कर ले और इस कन्फिग फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बस आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो भाई कि जो Assassin's Creed वलाला खेलना चाहते हैं अपने लो एंड PC या लैपटॉप पे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।